हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और कुरकुरी जलेबी, जिसे ना ही आपको फर्मेंट करने का ज़रूरत पड़ेगा और ना ही कोई दही ऐड करने का। बहुत ही नए तरीके से आज हम बनाएंगे जलेबी। तो सीधे रेसिपी शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बना के तैयार करना होगा। तो मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को चढ़ाया है। इसमें मैं डालूँगी एक बाउल चीनी, ये मेरा 50 ग्राम चीनी होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जलेबी बना रहे हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में चाशनी बनाएं, क्योंकि जलेबी के लिए चाशनी ज़्यादा लगती है। अब जिस बॉल से मैंने चीनी डाला था उसी बॉल से हाफ बॉल हम इसमें पानी डालेंगे। हमें जलेबी के लिए चाशनी चिपचिपी बनानी है, एकदम एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पर चीनी को घुलने देंगे और फिर धीरे धीरे इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी हमारा अच्छे से घुल गया है। आप फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं हरी वाली इलायची के पत्ते, मैं यहाँ पे दो डाल देती हूँ। अगर आपकी चाशनी में झाग बन रहा है, जो गंदगी होती है वो ऊपर में आ रहा है, तो आप उसमें दो चम्मच दूध ऐड कर दें। इससे सारी गंदगी एक जगह आ जाएगी और फिर आप उसे निकाल लेंगे। फिलहाल मेरी चाशनी में कोई झाग नहीं बन रहा है और चाशनी अच्छे से उबल रहा है। देखिए, ये हल्का चिपचिपा होना स्टार्ट हो गया है। बस थोड़ा सा इसे और पकाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाशनी जमे ना, कैसे नींबू के स्लाइसेस कट करके डाल सकते हैं। इससे चाशनी आपकी 3 से 4 दिन भी रखिएगा तो नहीं जमेगा। इस तरह की चाशनी बनने में 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे लगते हैं। हाई फ्लेम पे आप चाशनी ना बनाएं, नहीं तो चाशनी बहुत कड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट के बाद जो चाशनी है वो चिपचिपी हो गई है। बस इसी स्टेज पे हमें गैस को ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो फिर चाशनी ठंडी होने के बाद और हार्ड हो जाएगी। तो जब चिपचिपापन आ जाए चाशनी में तो आप गैस बंद कर दें। ठंडा होने के बाद ये और भी थोड़ा जमेगा। तो मैं यहाँ पे जलेबी को कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा कलर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं ऑरेंज रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। एक पिंच हम इसमें डाल देंगे। चाशनी तैयार है तो हम बैटर भी बना के तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। अब हम इस मैदे को हल्का हल्का पानी देके इसका घोल तैयार करेंगे। तो एक ही बार में आप सारा पानी ना डाल दें, पहली बार में आप थोड़ा सा पानी डालें और फिर इसे मिला लें। फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स करें, ताकि मैदे में कोई लम्प्स ना रहे। अगर आप एक ही साथ बहुत सारा पानी डाल दोगे तो हो सकता है आपकी मैदे में गुलटियाँ बन जाएंगी और फिर सारा बैटर जो है वो बेकार हो जाएगा। तो आप जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसका एक पतला घोल तैयार कर ले। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी कि ये एक फ्लो में आपका गिरे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे बीटर की सहायता से अच्छे से 5 मिनट तक बीट कर लें, या फिर आप बड़े से चम्मच की सहायता से भी इसे कंटिन्यू 5 मिनट तक बीट करें। यहाँ पे हमारा एक घोल बन के तैयार हो गया है। जलेबी को हल्का सा कलरफुल करने के लिए मैं इसमें 1 पिंच कलर डाल दूंगी। अगर आपको ज़्यादा कलरफुल पसंद है तो आप ज़्यादा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। कलर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पे 1 नींबू के रस को निकाल लिया है। अब हम इसे डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ फर्मेंट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं नींबू के रस का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इन दोनों को अच्छे से बैटर में मिक्स करेंगे। नींबू के रस से आपके जलेबी पे कोई भी टेस्ट का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको जलेबी वैसे ही लगेगी जैसी नॉर्मल जलेबी लगती है खाने में। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर इंस्टेंट बना रहे हैं। तो बेकिंग पाउडर हमारे जलेबी को अच्छा पफ करेगी और साथ में ये जलेबी जो हमारा बन के तैयार होगा वो कुरकुरा भी बन के तैयार होगा। तो हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वो 1 चम्मच इसमें डाल दें। अब बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हम बैटर को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे या फिर मिक्स नहीं करेंगे। बस नीचे से ऊपर की ओर हम इसे मिक्स करेंगे हल्के हल्के हाथों से। देखिए, हम बेकिंग पाउडर डालने के बाद जो बैटर है वो हल्का पफी हो रहा है।
तो अच्छे से जब बेकिंग पाउडर बैटर में मिल जाएगा तो हमारा जलेबी के लिए बैटर तैयार है। बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद हमें बैटर को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। अब आप जलेबी बनाने के लिए जलेबी कूप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरीके के प्लास्टिक जो आपके घरों में आता वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप दूध का भी प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं जलेबी बनाने में। अगर वो भी ना हो तो आप मोटा कपड़ा ले लें, उसमें भी जलेबी अच्छे से बनता है। मैं यहाँ पे आज जलेबी प्लास्टिक में कैसे आप इजली बना सकते वो बताऊँगी। तो सबसे पहले प्लास्टिक को आप गिलास पे इस तरीके से रख लें और अब जो हमारा बैटर है वो इसमें डालें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे हम टाइट करेंगे। अगर आपका बैटर ऊपर की ओर निकल रहा है तो आप इसके ऊपर मुंह पर टाइट करके रबर भी लगा सकते हैं, ऐसे आपका बैटर बाहर नहीं निकलेगा, या तो फिर इस तरीके से टाइट इसे मोड़ दें। तो हमारा कूप बन के तैयार है। और मैं आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे पैन में तेल डाल के पहले से चढ़ा रखा था, हमारा तेल भी गर्म है। तो हम इसे कैंची से काट लेंगे और अब हम जलेबी बनाना शुरू करेंगे। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ जलेबी बनाने में, फिर भी कोशिश करूँगी जलेबी का शेप अच्छा देने का। हो सकता है आपका एक बार में जलेबी का शेप अच्छा ना बने, लेकिन अगर आप दो तीन बना लोगे तो फिर आपका हाथ बैठ जाएगा स्कूप पे और फिर आप इजली जलेबी बना के तैयार कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से जलेबी को डाल दिया है। अब हमें मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से जलेबी को क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। जब आपको खनक सा आवाज़ आने लगेगा तो समझिएगा कि आपका जो जलेबी है वो फ्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हमें इसका। दो से तीन मिनट के बाद देखिए दोनों तरफ से जलेबी में अच्छा खनक आवाज़ आने लगा है और ये क्रिस्पी भी हो गया है। तब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से आगे भी हम जलेबी को बना के तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जलेबी भी फ्राई होके रेडी है और साथ में चाशनी भी रेडी है। तो चलिए अब हम जलेबी को चाशनी में डालते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चाशनी कम है तो आप चाशनी थोड़ा ज़्यादा ही बनाएं। मेरी चाशनी यहाँ पे कम है तो मैं पूरी जलेबी को चाशनी में नहीं डालूँगी, थोड़ी जलेबी को डालूँगी। और अगर सूखा आपका जलेबी बच जाता है तो आप उसे पॉलीथीन में करके रख दें, ये दो तीन दिन तक आपका जो जलेबी है वो सॉगी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ जलेबी को डाला है चाशनी में। चाशनी में डालने के बाद हम इसे एक मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर अब इसे चाशनी से हम निकालेंगे। देखिए कितनी रस से भरी कुरकुरी क्रिस्पी हलवाई जैसी इंस्टेंट जलेबी बनके हमारी तैयार है। अगर आप घर बैठे हैं और जलेबी खाने का मन कर रहा है तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।